तो चलो आओ पोलराइजेशन समझते हैं भाई. लेट अस सपोज दिस इज अ कटायन एंड दिस इज एन एनायन. देखो कटायन एनायन जो होते हैं ना, अ कंपाउंड इज बेसिकली मेड ऑफ अ कटायन एंड एन एनायन. अभी कटायन एनायन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय वेल कंपेरेबल डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल ये सेपरेट किए हुए हैं, मान लो दिस कटायन इज प्रेजेंट एट माइनस इनफिनिटी एंड दिस एनायन इज प्रेजेंट एट प्लस इनफिनिटी. तो जो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, दैट विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिकल. ठीक है, दूर दूर है, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड वुड बी स्फेरिकली सिमेट्रिकल. बट जैसे जैसे ये क्लोज आते हैं, तो जो कटायन होता है ना, दैट इज यूजुअली स्मॉल. इसको मुझे छोटा बनाना चाहिए, इसको बड़ा बनाना चाहिए. कटायन विच इज यूजुअली स्मॉल, इट ट्राइज टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन. So the tendency of a cation to distort the electron cloud of the anion is known as polarizability or polarization of anion. ठीक है, polarizability or polarization of anion, basically distortion है. ठीक है, अब आते हैं फजान्स रूल पे. फजान्स रूल अपने ये कहता है कि जो polarization है ना, it depends on two factors. सबसे पहले साइज ऑफ कटायन एंड साइज ऑफ एनायन. पोलराइजेशन, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन किस में ज्यादा होगी पता है? इफ द साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन, और इन बेटर वर्ड्स साइज ऑफ कटायन, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से छोटा हो, या फिर एक कटायन एक एनायन से छोटा हो, देन द पोलराइजेशन वुड बी मैक्सिमम, या द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन वुड बी क्वाइट लार्ज. तब पोलराइजेशन अच्छा होगा, जब कटायन छोटा हो एनायन बड़ा हो. अच्छा, हायर द नेगेटिव एंड हायर द पॉजिटिव चार्ज, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन वुड बी क्वाइट गुड. मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या फिर इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, तो पोलराइजेशन काफी अच्छा होगा. तो ये दो रूल्स थे फजान के जो आपको याद रखने अच्छे से. पहला रूल है कि कटायन का साइज छोटा हो एनायन का साइज बड़ा हो तब पोलराइजेशन अच्छा होगा. दूसरा रूल है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो तब पोलराइजेशन अच्छा होगा. तो भाई ये तो समझ में आया पोलराइजेशन. पोलराइजेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, हाउ वुड इट इफेक्ट द नेचर ऑफ द बॉन्ड. तो ऐसा समझो कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है ना, उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होता है बॉन्ड का. पोलराइजेशन और the extent of polarization is directly proportional to covalent nature of the bond. ये बिल्कुल ये golden statement है. ये जो मैं आपको इसमें मैंने comparison किया ना, या इन दोनों के बीच में जो relation है, ऐसे बढ़िया याद रखना कि polarization is directly proportional to the covalent nature. समझ में आया. अच्छा, तो यहां तक तो हो गया. आप क्वेश्चन पे आते हैं. मुझे बताओ कि SiCl2 था, SiCl4 था, साइज ऑफ कटायन साइज ऑफ एनायन दोनों में सेम है. यहां पे कटायन है, यहां पे ये है. लेट अस अज्यूम दोनों अभी कटायन एनायन के फॉर्म पे है. बाद में सोचेंगे कि किसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है किसमें नहीं हो रही है. तो अभी अज्यूम करते हैं कि दिस इज Si+2 दिस इज Si+4. सेकंड फर्स्ट जो रूल है कटायन एनायन का, उसमें तो यार वी कैन नॉट कंपेयर क्योंकि दोनों में सिमिलर कटायंस है सिमिलर एनायंस है. लेकिन वी कैन डेफिनेटली कंपेयर द चार्ज ऑफ द कटायन. इसमें Cl के ऊपर माइनस है, इसमें भी Cl के ऊपर माइनस है, लेकिन यहां पे Si के ऊपर +2 है. एंड इन दिस कंपाउंड The oxidation state of Si is +4. Charge किस में ज़्यादा है? इसमें. तो polarization किस में ज़्यादा होगा? इसमें. तो covalent nature किस में ज़्यादा होगा? इसमें. This implies this compound is not ionic, it is covalent in nature. SiCl4 ऐसा है. और SiCl2 ऐसा है. अच्छा. लेकिन मुझे अभी बताना है कौन सा लिक्विड है कौन सा सॉलिड है. तो
मुझे ये समझ में आया कि दिस इज आयनिक, दिस इज कोवेलेंट. अच्छा ये आयनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट आप बता सकते हो किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली आयनिक का होगा भाई. जो आयनिक पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होना इंप्लाइज उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा. क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा, तो इसको मेल्ट करना डिफिकल्ट होगा. दिस इंप्लाइज इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इससे. अब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, दिस इटसेल्फ इंप्लाइज कि इट विल बी प्रेजेंट एज अ सॉलिड एट रूम टेंपरेचर, इट विल बी प्रेजेंट एज अ लिक्विड. ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड से ज्यादा होता है कि नहीं होता. मेल्टिंग पॉइंट इटसेल्फ इज डिफाइंड फॉर अ सॉलिड. मेल्ट होना मतलब क्या? लिक्विड का भी मेल्ट होता है क्या? लिक्विड को हीट करोगे वो तो वेपराइज होगा. मेल्ट कौन होगा? सॉलिड होगा. इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा है मतलब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है. समझ में आ गया? चलो ये समझ में आ गया.